इसमें लगाने को बहुत ही कूल लग रहा है यार। दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया। राधे राधे। सर क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। बात तेरी छागर। हाय गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा न्यू ब्लॉग है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से, और अभी यहाँ आ गए हैं मनगढ़ में। तो आप लोग हमारे ब्लॉग के वीडियो में बने रहे, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो यार मैं सोच रहा हूँ चश्मा थोड़ा सा लगा लूँ। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। बात तेरी छागर राजा। मैंने चश्मा लगा लिया, अब आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत गाइस जो है हम रोड उस पार चल रहे हैं, अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। बहुत चश्मा लगाने को बहुत ही कूल लग रहा है यार, क्या मैं बताऊं। तो एक हमारे मित्र हैं जो कि अभी मिले हुए हैं, तो ये ब्लॉग के वीडियो पे कहाँ से आए भैया? अच्छा बड़गांव से आए हैं, ये अभी मंदिर देखने के लिए आए हैं, तो अभी चल रहे हैं मंदिर देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है? आप पहले भी कभी आए हैं कि पहली बार आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, यहाँ कैसा लगता है आपको? जी ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं यार, और यहाँ बहुत ही आनंद, बहुत ही खूबसूरत जगह होती है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर दर्शन करते हैं राधे कृष्णा का। हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पर, और मंदिर के अंदर जाते हैं, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं, और आप लोग दो तीन दिन से बहुत सैड हूँ कि यार क्या ये अभी कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादातर यही रहता हूँ। अब जाने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई अगर कहीं भी जाएंगे तो अभी यहीं अपने लोकल में ही हम जो है डेली आप लोगों को दिखाते हैं, लोकल की लोकेशन आपको दिखाते हैं, और भविष्य में अगर ऐसा रहा कभी तो हम आगे जाएंगे और आप लोगों की वहाँ की लोकेशन आपको दिखाएंगे। जैसे कि बाहर भी जाएंगे तो बाहर की लोकेशन आपको हम दिखाएंगे। इतना का दृश्य बनाया गया है। राधा झूला झूल रही संग शाम के। आते हैं इसको देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं इसको। उतना का जो दृश्य बना, वीडियो बनाता हूँ, प्रयागराज भी जाता हूँ, तो प्रयागराज के हर लोकेशन का आपको वीडियो हम शेयर करेंगे, और यहाँ मनगढ़ की हर लोकेशन का वीडियो आपको शेयर ही करता हूँ। तो ये हमारे लोकल में ही पड़ता है, मनगढ़ की लोकेशन आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पर आए हैं काफ़ी सारे लोग, आए हैं दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और हमारे मित्र मिले हैं, ये कहाँ से आए भैया? सुल्तानपुर से। अच्छा ये भैया जो है सुल्तानपुर से आए हैं, केवल मंदिर देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ आप घूम टहल के देख लिए, मंदिर देखे, आपको कैसा लगा मंदिर देखने? अच्छा अच्छा, तो यहाँ आपने देखा होगा तो आपको बार बार आने का मन कर रहा होगा कि हम जो है बार तो आप भैया जो है फर्स्ट टाइम आए हैं सुल्तानपुर से, और यहाँ मंदिर इन्होंने देखा जो बोल रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लगा। ठीक है जी, बाय बाय। कमली वाला मेरा यार है। चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ की लोकेशन, सारी लोकेशन को आपको हम दिखाते हैं। हेलो भाई, कैसे हैं भैया आप? कहाँ से आए भैया? इलाहाबाद से, प्रयागराज से। भैया ये लोग प्रयागराज से आए तो यहाँ मंदिर देखने के लिए आए हैं जी। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का मंदिर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे घूम के जी। और यहाँ का मौसम एकदम जी 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 बिल्कुल। अरे आ रहे भैया आप, आ रहे बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आप लोगों ने हर जगह घूम लिया है? जी जी। लाइटिंग हो जाए तो और अच्छा लगेगा। हाँ लाइट अभी थोड़ी देर में जल जाएगी तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है भैया, तो बाय बाय। देखते हैं कि हम यहाँ मंदिर के ऊपर आ गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर मंदिर के ऊपर बहुत सारे लोग श्रद्धालु जो है आते हैं आज, क्योंकि मैंने रात में नहीं, हम दिन में आए हैं, और यहाँ दिन में बहुत ही खूबसूरत होता है। और क्योंकि आज तो जो है धूप भी नहीं है, धूप के कारण जो है काफ़ी सारे लोग जो है धूप के वजह से नहीं आते हैं, लेकिन छाया होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं,
और यहाँ का जो मंदिर होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ की लोकेशन देखने के लिए ही लोग आते हैं। अरे भाई साहब लोग आए हैं, कहाँ से आए भैया? गोरखपुर देवरिया से आए हैं। तो ये काफी दूर से आए हैं गोरखपुर देवरिया से। तो यहाँ आप मंदिर कब आए थे भैया? तीन चार घंटे हो गया इन लोगों ने, तो मंदिर आपने घूम टहर के देख लिया है। तो यहाँ पर मंदिर आप लोगों को कैसा लगा? जी जी, तो आप लोगों ने जैसे कि देखा तो यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि दोबारा भी आना चाहिए। जी जी, जब मौका मिले तब तो आना चाहिए। जी जी जी, मौका मिले तो यही करें। ठीक है, बच्चों को दिखाने में बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसी जगह बच्चों को घुमा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और बोलिए राधा रानी की जय। श्री राधे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं और गुरु जी भी है, तो सारे लोग आए हैं। तो जो कि बोल रहे हैं कि लोकेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मंदिर सभी को अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया। राधे राधे। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ढेर सारे लोगों से मुलाकात भी हुई। जो तो जैसे कि हमारे फ्रेंड लोग हैं, तो कहाँ से आए भैया? हम लोग हंडिया से आए। ये हंडिया से आए हैं यहाँ मंदिर देखने के लिए। तो यहाँ मंदिर देखे आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया। राधे राधे। अच्छा, तो यहाँ सारा कुछ घूमकर आप लोगों ने देखा? हाँ। तो यहाँ कैसा लग रहा है कि मतलब दोबारा आने का मन कर रहा है कि मतलब आ रहा है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को लेकर आइए और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है भैया, तो चलते हैं, बाय बाय। खूबसूरत होगा, बहुत ही मजा आएगी आज हमारे वीडियो में। आप लोग हमारे ब्लॉग के वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का हमारा ब्लॉग का वीडियो। कहाँ कहाँ जाते हैं सारे लोकेशन को आपको हम दिखाएंगे, सारा कुछ आप लोगों को हम दिखाना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात की, अभी आगे चलते हैं कुछ लोगों से और मुलाकात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे। वीडियो को लोकेशन आपको शेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, आप हमारे वीडियो पे बने रहिए जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो जैसे कि देख रहे हैं हम बाहर की ओर जा रहे हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं और चलते हैं, क्योंकि अभी शाम हो गई है। तो यार अब घर जाने का विचार हो गया, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो आपको बना के दिखाए और हर जगह की लोकेशन को आपको हम दिखाए। अब चलते हैं बाहर।